हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका शालू बालियान ब्लॉग्स में। तो आज है शनिवार और अभी बजे हैं शाम के 5:30। और आज मैंने दोपहर में बनाई थी मिक्स वेज। तो कैसे बनाई ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत सारी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और जो ये कहते हैं ना कि सब्ज़ी पसंद नहीं है, वो भी खा ही लेते हैं ज़्यादातर, और स्वाद भी मतलब अच्छा ही होता है। ये तो है, उसकी सर्दियों में ना सब्जियां बड़ी स्वाद लगती हैं। तो बनाई थी मिक्स वेज और रोटी बनेगी साथ में। तो बहुत दिन से मैंने मतलब कोई ऐसा खाने की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हो गए हैं कि वहाँ जाना भी पड़ता है और सेलिब्रेशन होता रहता है। तो लेकिन अब ये है कि पार्टी वार्टी तो अभी शुरू है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, बच्चों के जन्मदिन भी है, शादी की सालगिरह भी है, लेकिन जहाँ तक है कि कम ही जाएंगे, क्योंकि क्योंकि नए फ्लैट में हो रही है तैयारियाँ, मतलब शिफ्ट होने की, और फर्नीचर की भी, और बहुत सारे सामान अभी ऐसे हैं जो मार्केट से लेके आने पड़ते हैं, जाना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, और उसी में थोड़े व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ा रूटीन शेयर नहीं कर पाती मैं अपने ब्लॉग में। तो आज भी हम गए थे गाजियाबाद मार्केट, जैसे गेट वगैरह देखने होते हैं कि कैसे लगवाने हैं, ग्रिल वगैरह कवर करवानी है, बहुत सारी ऐसी हैं कि वो चीज़ें जब फ्लैट पूरा कंप्लीट होगा मैं आपको तभी दिखा पाऊँगी। और खुशी है इस बात की कि अपने घर में हम बहुत जल्दी जाएंगे। तो आज मैंने दोपहर में क्या बनाया था ये मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं दोपहर के खाने में बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने गैस चलाई है और कढ़ाई रख दी है, सरसों का तेल डाला है, और वो जब तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें जीरा, हींग और कटी हुई प्याज ये डाल दी है। और अच्छे से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को। और जब ये भुन जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, और फिर इसको अच्छे से हम चलाएंगे। और इसमें डालेंगे अपने बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी आप मसाले पसंद करते हैं, गरम मसाले, धनिया पाउडर, वो आप सब इसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से इसकी मंदी आंच पे करके इसको अच्छे से पका लेंगे। और जब ये हमारी ग्रेवी थोड़ी सी मतलब अच्छे से मैश हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कटी हुई सब्जियां। तो मैंने इसमें ब्रोकली, आलू, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, जितनी मतलब सर्दियों में सब्जी मिल सकती हैं वो सब आप इसमें डाल के बना सकते हैं। और वाकई सर्दियों में ना जो सब्जियां होती हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ मैंने ये सब अच्छे से मिक्स कर ली है सब्जी, और मंदी मंदी आंच पे हमको सब्जी पकानी है। और इसमें मैं डालूँगी सिर्फ आधा कटोरी पानी, ताकि नीचे तली में सब्जी ना लगे, और बीच बीच में हम सब्जी को चेक भी करते रहेंगे। और सर्दियों में जितनी सब्जी मतलब खा सकते हैं खानी चाहिए, क्योंकि सेहत में भरपूर होती है और अच्छी भी लगती है। और यहाँ मैंने जब सब्जी बन गई है तो मैंने इसमें डाला है कटा हुआ हरा धनिया, जिससे मतलब खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने में, सब्जी में, और कुछ भी आप बनाओ मसाले वाला खाना तो मतलब सभी में अच्छी लगती है। तो ये फिर मैंने बनाई है यहाँ रोटियाँ, और फूली फूली रोटी, और गर्मा गर्म। सर्दी में तो खैर ठंडा खाना अच्छा लगता ही नहीं है गर्म, लेकिन जब हम लेडीज़ खाना बनाते हैं तो ज़्यादातर हम हमारा खाना ठंडा ही हो जाता है, बहुत कम चांस होता है कि हम हमारे लिए कोई बनाए, लेकिन हम बना लेते हैं सबके लिए। और यहाँ मैंने दही रोटी, मिक्स वेज और चटनी भी बना